हर बीमारी के तीन पड़ाव होते हैं, पहला प्रोटेक्शन, दूसरा बीमारी, तीसरा बीमारी से रिकवरी। कोरोना के माहौल में इतना ज्यादा स्ट्रेस है, घर घर में बीमारी फैली है, लॉकडाउन है, दुख का माहौल है, तो मन तो डिप्रेस्ड होगा ही। ये सेशन एक प्रयास है आपको लॉकडाउन में बेटर फील कराने का और मन के संतुलन को बनाए रखने का। ब्रीदिंग और प्राणायाम से शरीर और मन दोनों पर हर तरह का लाभ है। When you balance your body, you balance your emotions. आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज का विषय है, इस कोरोना महामारी में ब्रीदिंग और प्राणायाम की प्रैक्टिस से हम किस तरह राहत पा सकते हैं। तो चलिए एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन पर बैठ जाएं। यदि आप फर्श पर बैठने में कंफर्टेबल नहीं फील करते तो आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आपका आसन कंफर्टेबल हो और बैठते वक्त आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। प्रैक्टिस करते वक्त अपनी आंखें बंद रखें ताकि आपका ध्यान लगातार सांसों से जुड़ी उस परमात्मा की डोर पर बनी रहे। कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर में आने के बाद अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लें और अपने घुटनों के ऊपर रख दें। धीरे धीरे आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाएं कि आज मेरी सांसें किस तरह चल रही हैं। ज्यादा तेज तो नहीं चल रही या बहुत धीमी चल रही है। बस ध्यान सांसों के ऊपर ही बनाए रखें। टोटल फोकस अपनी ब्रीदिंग पर। मन में किसी तरह की उथल पुथल ना होने दें। कोशिश कीजिए सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान रखने की। कोशिश करना कि आपका मन इधर उधर ना भटके, जब भटके उसे वहीं रोक लें और वापस सांसों की तरफ ध्यान देना शुरू करें। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब धीरे धीरे ध्यान अपने शरीर पर लेकर जाएं। जब सांस अंदर जाती है तो किस तरह छाती ऊपर उठती है और पेट बाहर निकलता है। जब सांस बाहर छूटती है तो किस तरह छाती रिलैक्स्ड होती है। लगातार ध्यान ब्रेथ और बॉडी मूवमेंट पर रखें। कंटिन्यू टू फोकस ऑन द बॉडी। शरीर के ऊपर ध्यान रखें, किस तरह सांसों की रफ्तार से शरीर में उतार चढ़ाव होता है। इस तरह ध्यान धीरे धीरे पूरा काबू में कर लें। पांच से छह राउंड्स ब्रीदिंग के हम इस तरह करेंगे। इस प्रैक्टिस को ब्रेथ अवेयरनेस या प्राण धारणा कहते हैं। जब पूरा अवेयरनेस ब्रेथ के ऊपर होता है, अब धीरे धीरे सांसों की लंबाई की तरफ ध्यान देंगे। ड्यूरेशन ऑफ द ब्रेथ। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसे पूरक कहा जाता है और जब हम सांस बाहर लेते हैं तो उसे रेचक कहा जाता है। अब ध्यान पूरक और रेचक की लंबाई पर दें। दोनों इक्वल हो। पूरक अगर 5 काउंट्स का हो तो रेचक भी 5 काउंट्स का रहे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। 5 काउंट पूरक, 5 काउंट रेचक।
पांच से छह राउंड्स हम इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे. ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट. शुरू शुरू में आप मन में गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, फिर रेचक 5 4 3 2 1. धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो आपको ये गिनती करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन शुरुआत में इट्स ओके टू काउंट 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. कंटिन्यू. अब अगली प्रैक्टिस पूरक और रेचक की मात्रा में थोड़ा सा अंतर लाते हैं. रेचक डबल होगा पूरक से, मतलब पूरक अगर 5 काउंट्स का है तो रेचक 10 काउंट का रहेगा. आइए प्रैक्टिस करते हैं. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कंटिन्यू कीजिए. इस तरह धीरे धीरे सांसों के जरिए आप अपने ध्यान को, अपने मन को पूरा काबू में ले सकते हैं. प्रैक्टिस जारी रखें. मन और संतुलन दोनों अपने काबू में. गहरी सांस अंदर और स्लो लंबी सांस बाहर. लीजिए गहरी सांस अंदर और स्लो कंट्रोल्ड वे में सांस को छोड़िए. कंप्लीट फोकस रेचक की लंबाई पर. रेचक डबल होगा पूरक से. ब्रीथ इन, स्लो कंट्रोल्ड ब्रीथ आउट. कोई मारामारी नहीं, कोई कल परसों की बातों को याद नहीं रखना. बस ब्रीदिंग की मात्रा पर ध्यान लगाकर प्रैक्टिस करते रहिए. जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम प्रैक्टिस के साथ ही रहें. अब धीरे से आंखें खोल सकते हैं. थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं. टांगे सबकी सुन हो गई होंगी, तो थोड़ा सा टांगों को स्ट्रेच करते हैं. इस तरह स्ट्रेटन देम. थोड़ा पीछे बैठ जाएं, रिलैक्स वे में, सर पीछे. थोड़ा थाइस को फ्लैप कीजिए, पैरों को थोड़ा रोटेट कीजिए. इस तरह पैरों की उंगलियों को फोल्ड कीजिए, इस तरह स्क्वीज कीजिए और फिर खोलिए, स्क्वीज कीजिए, खोलिए, ताकि सर्कुलेशन रहे, सर्कुलेशन जमे नहीं. हाथों को थोड़ा खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए. थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए इस तरह कंधों को. अब वापस आ जाए. प्राणायाम या ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते वक्त अपने चेहरे के हाव भाव या चेहरे पर किसी तरह का तनाव ना आने दें. आप जितना रिलैक्स्ड वे में प्राणायाम या ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करेंगे उतना आप उसका लाभ उठा पाएंगे. आपको पता है प्राणायाम किस लिए किया जाता है? ताकि हम अपनी सांसों को कंट्रोल कर सकें और अपने मन के संतुलन को हर परिस्थिति में बनाए रख सकें. चलिए अब हम फिर से हमारे कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में आ जाते हैं. हमारी अगली प्रैक्टिस है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो आज के इस कोरोना वातावरण में बहुत ही जरूरी है. क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना अटैक करता है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को. तो चलिए इस प्रैक्टिस को करते हैं. एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, फिर उस सांस को अंदर रोक कर रखेंगे. रोकते वक्त हम अपनी मुट्ठियां बंद कर देंगे, जैसे कि हमने अपनी सांस को अंदर पकड़ के रखा हो. इस तरह पकड़ लो, होल्ड. उतना ही रोकेंगे हम सांस जितनी हमारी कैपेसिटी हो. मैं बार बार आपको याद दिलाती हूं कि योगा प्रैक्टिस, आप हर प्रैक्टिस उतना ही करें जितनी आपकी कैपेबिलिटी या जितनी आपकी कैपेसिटी है. उसे बढ़कर ना करें, क्योंकि लाभ के बजाय आपको फिर नुकसान होने लगेगा.
तो थोड़ा थोड़ा करें, थोड़ा थोड़ा आप बेहतर होते जाएंगे हर दिन। हैव पेशेंस, योगा का दूसरा नाम है पेशेंस। चलिए, अब हमने जब सांस अंदर रोक ली तो फिर हम उसको छोड़ेंगे मुंह से। आपने मेरा बॉडी लैंग्वेज देखा, जब मैं सांस अंदर लेती हूं तो कैसे मेरा शरीर एकदम स्ट्रेट हो जाता है, और फिर रिलैक्स कैसे करती हूं जब मैं सांस छोड़ती हूं मुंह से। कंप्लीटली रिलैक्स, सरेंडर, इस तरह का भाव रखना है। तो चलिए मेरे साथ 5 राउंड प्रैक्टिस कीजिए और देखते हैं फिर कैसा फील करते हैं। पहला राउंड, सांस लीजिए अंदर गहरी, लीजिए दूसरा राउंड गहरी सांस अंदर, तीसरा राउंड लीजिए, लेंगे चौथा राउंड गहरी सांस अंदर, एक लास्ट राउंड, कैसा लग रहा है? काफी फ्रेश फील करते हैं ना इसके बाद, एक अलग सा एक फ्रीनेस। एक बार फिर आंखें बंद करके अपने ब्रेथ अवेयरनेस, ये ब्रेथ अवेयरनेस आप किसी भी समय कर सकते हैं, बैठे हुए कभी भी आपको लगे तो अपने अंदर अपनी सांसों की तरफ ध्यान देते हुए एक ब्रेथ अवेयरनेस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ये आज की जो हमारी ब्रेथ होल्ड करने वाली जो प्रैक्टिस थी, इससे आपके ऑक्सीजन लेवल्स भी बढ़ते हैं और जितना अंदर टॉक्सिन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वो भी निकल आता है। यू नो, आप काफ़ी फ्री फील करेंगे इसके बाद। तो अगली प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम बाहर की दुनिया एंजॉय करते हैं अपनी 5 इंद्रियां, मतलब अपने 5 सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से। तो आइए इन 5 इंद्रियों को बंद करके एक अंदर की दुनिया का एहसास करते हुए भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम जो बहुत ही लाभदायक है आज के इस वातावरण में। जब हम 5 इंद्रियों को बंद करते हैं, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स को बंद करते हैं हमारी उंगलियों से, और
हम मन ही मन एक भंवर का स्वर निकालते हैं कुछ इस तरह, तो हम एक अपने ही एक स्पेस में चले जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि बाहर कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, हम हमारी स्पेस में सुरक्षित रहें। तो चलिए 3 बार प्रैक्टिस करते हैं भ्रामरी। एक बार मुझे देख लें और फिर 3 बार हम प्रैक्टिस करते हैं। बंद कीजिए अपने कानों को अंगूठे से, फिर अपने माथे को एक इंडेक्स फिंगर से, फिर बीच की उंगली रखते अपनी आंखों के पास, फिर नाक के पास, और फिर सबसे छोटी उंगली आएगी मुंह के पास। अब कंफर्टेबली गहरी सांस लेकर भंवर का स्वर लगाएं। इस प्रैक्टिस को करते वक्त आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि स्वर जो भंवर का स्वर हो वो ज्यादा ऊंचा ना हो। इससे आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर असर पड़ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो आप भंवर का स्वर बहुत नीचे स्वर में रखें और एकदम रिलैक्स वे में इसको मन ही मन एक मीठी स्वर रखें, ताकि इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे और आप एक अंदर के स्पेस में सुकून पा सको। भ्रामरी प्राणायाम, नासाग्र दृष्टि और ब्रह्मादाय दृष्टि, ये 2 प्रैक्टिसेस हैं जो लाइक भ्रामरी की तरह ये भी हमें लाइफ का फोकस बनाए रखने में मदद करते हैं। हम सारी दुनिया अपनी आंखों से ही देखते हैं, तो अपनी आंखों की रोशनी और अपनी आंखों के नर्व्स को स्ट्रांग रखने के लिए नासाग्र और ब्रह्मादाय, ये दोनों दृष्टियां बहुत ही लाभदायक है। इन दोनों को करते वक्त खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो नसें हैं आंखों की, ये डायरेक्टली ब्रेन के साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर हम बहुत ज्यादा तेज या बहुत ज्यादा स्ट्रेन करके करेंगे तो ब्रेन के ऊपर इसका गलत असर हो सकता है। तो आप देखें मैं कैसे कर रही हूं। नाक के टिप के ऊपर अपनी ये उंगली रख के आप टोटली इस पॉइंट पे फोकस रखें। अब 2 तरीके हैं, या तो हम सीधा सॉफ्टली ऐसे देखें नरम तरीके से, और दूसरा तरीका स्ट्रेन लेके इस तरह। ये ना करें, सॉफ्ट सिंपल दृष्टि, नासाग्र दृष्टि। ये देखिए, ये देख रही हूं मैं टिप के ऊपर। अब जितना मैं इस होल्ड कर सकती हूं, जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, मैं इसको देखती रहूंगी 1 टका। अगर ब्लिंक हो तो एक हल्का सा ब्लिंक आप कर सकते हैं, लेकिन वापस फिर वही फोकस बनाए रखें। इधर उधर ना भटकने दे दृष्टि को ना मन को, बस एक ही पॉइंट पर आप देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। कुछ समय के बाद आपको हल्का सा आंखों में जैसे जलन सी या एक पानी सा लगेगा, तो तब आप आंखें धीमे से हल्के से बंद कर लें। यह हमारा 1 राउंड हुआ। 2 राउंड करने हैं, ज्यादा नहीं, तो 1 राउंड साथ में करते हैं। चलिए ले लीजिए ये पॉइंट और बहुत नम्रता से आई बॉल्स को इस सेंटर पॉइंट पे नाक के टिप पर ले आए। स्ट्रेन नहीं, आंखें बाहर नहीं आनी चाहिए, सॉफ्ट एंड जेंटल। धीरे से आंखों को बंद कर दें, आराम पाएं। एक बार और करते हैं, 2 बार तो प्रैक्टिस करना है ना आपके साथ। चलिए ले लीजिए फोकल पॉइंट ये,
और देखते रहिए। कम ऑन। आंखों को धीरे से बंद करते हैं। भ्रूमदाय दृष्टि, भ्रूमदाय मतलब सेंटर पॉइंट बिटवीन द टू आईब्राउज, मतलब दोनों आईब्राउज के बीच का सेंटर पॉइंट। तो हम डायरेक्टली देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो शुरू शुरू में जब तक हमें प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो जाती डायरेक्टली देखने की, हम अपनी उंगलियों का उपयोग करेंगे। तो एक उंगली जो इंडेक्स फिंगर है उसको हम ऊपर ये सेंटर पॉइंट पे लेके थोड़ा सा एक से डेढ़ इंच आगे रख के इस पॉइंट को हम एक टुक देखते रहेंगे। ये देखते हैं, कीप लुकिंग, आंखें बाहर नहीं, कोई तनाव नहीं, सांस नॉर्मल चल रही है, सांस थमनी नहीं चाहिए। स्लोली स्लोली और फिर आंखों को बंद कर दीजिए। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, भ्रूमदाय दृष्टि। चलिए ले लीजिए फिंगर को वापस, इंडेक्स फिंगर को यहां सेंटर में लेके थोड़ा सा आगे लेके एडजस्ट कीजिए और फिर अपनी आईबॉल्स को उस पॉइंट पे देखते रहिए, फिक्स कर दीजिए। अब धीरे से आंखें बंद कर दीजिए। हाथों को रब कीजिए और हल्की सी की हुई गर्म हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर रख दीजिए। हल्के हाथ, धीरे से हाथ नीचे करते हुए अपनी आंखों को खोल दीजिए। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रूमदाय दृष्टि, नासाग्र दृष्टि, ये तीनों प्रैक्टिसेस वेरी गुड फॉर फोकस इन लाइफ। एक लक्ष्य, मन का संतुलन, एक फोकस। कुछ भी हो रहा हो बाहर, हम अपनी मन की दुनिया में शांत रहें। आज का ये सेशन लाइफ में फोकस बनाए रखने का था, चाहे वो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के जरिए, चाहे वो भ्रामरी प्राणायाम के जरिए, चाहे दो दृष्टियों के जरिए, हम एक लक्ष्य बनाकर अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। कोरोना आए, कोई और वायरस आए, कुछ भी महाकाल आए और हमें डिस्टर्ब कर जाए, तो हमें अपना संतुलन इस तरह से बनाए रखना है कि हमें कुछ भी डिस्टर्ब ना करे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रयास, मेरा ये सेशन अच्छा लगा, और मेरे चैनल में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा।